सर मेरा को यह कहना है सिर्फ कि जब हम लोग का मिड टर्म का एग्जाम लिया गया तो इन टर्म का एग्जाम क्यों नहीं देने दिया, जब हम लोग को रोकना ही था तो शुरू में ही रोक दिया जाता। पूरा फ्रॉड है, ये पूरा फ्रॉड है, बिहार में फ्रॉड हो रहा, पूरा सिस्टम करप्ट कर दिया, एकदम पूरा बर्बाद कर दिया, ये लोग साल बर्बाद कर रहे हैं हम लोग का। एक कॉलेज ऐसा भी है जो कि पैसे पे लेकर के किया गया है, पैसे पर लेकर अटेंडेंस बढ़ाया गया सर, घर बैठी है पैसा दीजिए तो नहीं, लास्ट में हुआ गया वहाँ पे पैसे दे करके पैसा अटेंडेंस बनाया वो लोग। हमारे प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि ये मेरा कॉलेज है, यहाँ मेरा रूल चलेगा, ये रियलिस्टिक, ये कॉलेज वाले बोलते हैं यहाँ मेरा रूल चलेगा, मतलब यहाँ मतलब यूनिवर्सिटी कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए हम मौजूद हैं एक यूनिवर्सिटी में और हमारे पीछे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। क्यों पहुंचे यहाँ पे और क्या मामला है? हम लोग का मुद्दा बहुत खराब है, हम लोग को डिवाइडेड तो कर दिया गया और हम लोग के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कैसा भेदभाव किया जा रहा है? भेदभाव ये किया जा रहा है कि यहाँ जाते पता करने के लिए तो कुछ नहीं बताता है, कोई बोलता है यूनिवर्सिटी जाओ, कोई बोलता है कॉलेज जाओ, कहीं से हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोग को ये जानना है हुआ क्या? हुआ है हम लोग को सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम से डिवाइड कर दिया गया क्योंकि हम लोग का अटेंडेंस कम था। ठीक है, हम लोग कितना अटेंडेंस है? अटेंडेंस हमारा 40% था। और बोला कितना जाता है? बोला 70 जाता है और हर जगह हर नियम चल रहा है, कहीं पे 75 का नियम है, कहीं पे 20 का है, कहीं पे 0 का भी है। लखीसराय में 0 पे भी लिया गया और हर कॉलेज में अलग अलग लिया गया, सिवान में भी जिसका। आप कौन से कॉलेज से? हम बख्तियारपुर। आप कौन कॉलेज से? बेगूसराय से। बेगूसराय, आपका कितना अटेंडेंस है? मेरा सर 35 था, हमारे कॉलेज में 40 पे लिया गया था। ठीक है, और देखा जाए तो अदर कॉलेज में 0 पे भी उठाया गया, कहीं 12 पे उठाया गया, लेकिन यूनिवर्सिटी का क्या रूल था, इन्होंने बोला था 60% प्लस 15% आपका मेडिकल पे जोड़ करके 75% होगा तब हम फॉर्म भरने। बहुत सारे लोग अभी ये वीडियो देख रहे होंगे तो बोलेंगे कि जब आपका कॉलेज 40 बोला था तो आपका 40 क्यों नहीं? 40 मेरा मेडिकल इश्यूज था, तो मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया, पेरेंट्स को लेके गए, वो बोलते हैं सचिव के पास जाओ, सचिव सर यहाँ से बोलते हैं कि प्रिंसिपल समझेंगे, ऐसा ऐसा इश्यूज कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो 0% पे उठाए हैं। गया को देख लीजिए आप, 0% पे उठाए। कौन से सेमेस्टर में आप? फोर्थ सेमेस्टर में सर। फोर्थ सेमेस्टर, ये बताइए कि घाटा कितना हो रहा है? घाटा बहुत हो रहा है, हम लोग का एयर बैग लग जाने से एक साल बर्बाद हो जा रहा है, इससे हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, बीटेक कर पे कोई फायदा नहीं है, डिग्री लेकर कोई फायदा। अटेंडेंस मेरा 30% अटेंडेंस है। आपके कॉलेजेस में कितना? 0, 15 पे 20 पे उठाया गया कॉलेज में, और हम लोग साथ भेदभाव किया गया है। आप आ गए जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रौनक कुमार हुआ। रौनक कुमार हुआ, ये बताइए कि कौन सा सेमेस्टर में? मेरा 6 सेमेस्टर का एग्जाम है, अभी सर फाइनल ईयर में जाने वाले थे। फाइनल में जाने वाले थे? हाँ, 7 सेमेस्टर में जाने वाले थे, मतलब क्या जा नहीं पाएंगे? रोक दिया गया है 6 सेमेस्टर का एग्जाम, 6 सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दिए थे। तो आपका अटेंडेंस कितना है? मेरा बायोमेट्रिक में 80% है, लेकिन अगर मिस्टेक हुआ है बख्तियारपुर कॉलेज में, वो ह्यूमन एरर के कारण हम लोग का 0 अटेंडेंस दे दिया गया है। किसी का मेरा 1-0 गया है, वो बच्चा का 2-0 गया है, किसी का 3-0 गया है। पैसा कितना लगता है ये बताइए? पैसा तो समय ईयर में एडमिशन लेने के लिए 3700 रुपया मेरा लगता है और किसी का 3800 रुपया लगता है, प्लस एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए 3700 रुपया लगता है पर सेमेस्टर वाइज। तो अभी तक हम लोग 3 एग्जाम दे चुके हैं, 5th सेमेस्टर में मिड टर्म दिए हैं, इंटर्म दिए हैं, फिर 6th सेमेस्टर का मिड टर्म दिए हैं, फिर उसका इंटर्म में रोक दिया गया। लास्ट चाहते क्या है एज अ स्टूडेंट, बताइए कि आप लोग इंजीनियर चाहते क्या है? हम लोग यही चाहते हैं कि 6th सेम का एग्जाम जो है आगे हम लोग का क्लास जो है 7th सेम का एग्जाम देने दिया जाए, हम लोग को बैक नहीं, क्योंकि लाइफ करियर बर्बाद हो सकती है इसलिए बैक नहीं लगाया। क्या आपका क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। बहुत बड़ा। हाँ, तो ये बताइए कि कहाँ के रहने वाले हैं? समस्तीपुर। समस्तीपुर, आपके कॉलेजेस में कितने परसेंट पे आपको लिया? मेरा फुल अटेंडेंस है तब पर भी हमको फॉर्म नहीं, टेक्निकल फुल अटेंडेंस, फुल अटेंडेंस है तब पर भी टेक्निकल ग्लिच के कारण फॉर्म नहीं भरने दिया गया है। फुल अटेंडेंस, आपका कितना अटेंडेंस है? मेरा तो 35% अटेंडेंस सर। सर मेरे को यह कहना है सिर्फ कि जब हम लोग का मिड टर्म का एग्जाम लिया गया तो इन टर्म का एग्जाम क्यों नहीं देने दिया गया, जब हम लोग को रोकना ही था तो शुरू में ही रोक दिया जाता। चलिए, कहना है कि रोकना था तो पहले क्यों नहीं रोके, एंड में क्यों रोक? हम तो पहले ये कहना चाहेंगे, हम बख्तियारपुर कॉलेज के छात्र हैं, वहाँ ये समस्या हुआ ना कि प्रोफेसर लोग के कारण मतलब ह्यूमन एरर हुआ, जैसे कुछ बच्चे क्लास किए हैं कुछ नहीं किए, ज़्यादातर बच्चे क्लास नहीं किए, लेकिन उनमें क्या हुआ ना, कुछ लोग को अटेंडेंस मिल गया, मेरे को तो अटेंडेंस नहीं मिला। एक मेरा दोस्त है वो हमसे ज़्यादा क्लास किया लेकिन मेरे से उसका कम आया, उसमें 3-3 बार झोल समझे या कुछ और समझे, पूरा फ्रॉड है, ये पूरा फ्रॉड है, बिहार में फ्रॉड हो रहा, पूरा सिस्टम करप्ट कर दिया एकदम, पूरा बर्बाद कर दिए, ये लोग साल बर्बाद कर रहे हैं हम लोग का, कह रहे हैं कि फ्रॉड है। सबसे बड़ी बात सर, हमारे प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि ये मेरा कॉलेज है, यहाँ मेरा रूल चलेगा, ये रियलिस्टिक, ये कॉलेज वाले बोलते हैं यहाँ मेरा रूल चलेगा, मतलब यहाँ मतलब यूनिवर्सिटी कुछ नहीं है। और गार्जियन से भी अच्छे, गार्जियन से भी, गार्जियन को लेकर के जाइए तो वो बोलेंगे सचिव के पास जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, कुछ भी चाहते हैं पेरेंट्स। सर हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम लोग बस बोलते हैं कि अगले हमें एग्जाम देने दिया जाए 5th सेम का, और जो भी 6th वाले हैं उनको उनका एग्जाम दिया जाए, और जो पीछे है वो हम लोग बैक देख के क्लियर करें, बस हम लोग इतनी किया तो ये हम चाहते हैं ये चीज़। रिजल्ट क्या जाना है आपको? हमको रूल जाना है कि डिवाइडेड स्टूडेंट के साथ होता क्या है,
ये लोग से पूछते हैं तो ये कहते हैं हमको भी नहीं पता है, सब आपस में एक दूसरे पे फेंक रहे हैं, कोई बोलता है बीयू जाओ, कोई बोलता है एक्यू जाओ, हम लोग को कहीं से नया नहीं मिल रहा है। कॉलेज में प्रिंसिपल सर के द्वारा बोला है तुम लोग एक्यू जाओ और बीयू जाओ, अब बीयू जाने पर बोल रहा है कि तुम प्रिंसिपल जानता है वहाँ जाने, हम लोग कहाँ जाए बोलिए, कोई कन्फ्यूज किया जा रहा है कि ऐसा जाओ ऐसा किया जा रहा है, कहाँ जाए लोग, कोई नोटिस भी नहीं निकाल रहा है। एक्यू में देखिए ये दो दो बिल्डिंग है, ये बोलता है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, दो रूम में आपका यूनिवर्सिटी बना दिया आपने, सबसे बड़ी बात देखिए ना आप, एक्यू में कोई बैठता ही नहीं है सर, कोई बैठता ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता, कोई आते ही नहीं है सर। मैं एक बात बताना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट को, जो पूरी कॉलेज जो है 38 कॉलेज हैं पूरे बिहार में और सारी इस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, जब कुछ कॉलेजेस के बच्चे जो हैं फॉर्म भर रहे हैं और कुछ कॉलेज के बच्चे को फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है, जब से यूनिवर्सिटी एक है, जब सारे कॉलेजेस इस यूनिवर्सिटी के अंदर काम करते हैं तो क्यों नहीं सारे कॉलेज एक रूल को फॉलो करते हैं, क्यों नहीं एक रूल को कोई जीरो पे कोई दस पे कोई बीस और किस कोई जीरो पे और कोई कभी अटेंडेंस भी नहीं है, जिसका कभी अटेंडेंस नहीं हुआ, जो कभी कॉलेज नहीं आए वो सभी लोग फॉर्म भरे हैं। सर, और एक इस और आया है, एक कॉलेज ऐसा भी है जो कि पैसे पे लेकर के किया गया है, मतलब पैसे पर लेकर अटेंडेंस हो जाता है, बढ़ाया गया सर, घर बैठिए पैसा दीजिए तो नहीं, लास्ट में हुआ गया वहाँ पे पैसे दे करके पैसा अटेंडेंस बनाया वो लोग। तो आपने देखा कि एक ही यूनिवर्सिटी में किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो हैं वो बवाल कर रहे हैं अटेंडेंस को लेकर, उनका कहना है कि पैसों पर अटेंडेंस दिया जाता है, तो किसी का कहना है कि जीरो पे हो रहा है, किसी का दस पे हो रहा है, किसी का बीस पे हो रहा है, तो हम लोग के साथ ना इंसाफी क्यों, किस तरह से मांग कर रहे थे, किस तरह से हंगामा कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी में, वो आपने सुन लिया। तो बस इसी के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब करके धन्यवाद।